1989 में जारी किया गया 1 रुपए का कोपर निकल का ये सिक्का आज के टाइम पर आपको दे सकता है पूरे 4000 रुपए तक। और 1 साल पहले जब मैंने इसका वीडियो जारी किया था तब इसकी वैल्यू थी 400 रुपए से लेकर 800 रुपए तक। इस सिक्के की कीमत काफी तेजी से बढ़ी है और फ्यूचर में भी शायद इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सिक्का कौन सा, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। 1989 में जारी किया गया जवाहरलाल नेहरू का ये सिक्का है। जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती पे 1 रुपए के इस सिक्के को जारी किया गया था 1989 में, भारत के चारों मिंटों से, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा के मिंट से। वैसे तो ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं लेकिन एक मिंट से सिक्का रेयर हुआ है, वो है नोएडा की मिंट। अगर आपके पास में मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद 3 मिंट के सिक्के होते हैं तो वो कॉमन ही होते हैं। और उनका मिंट मार्क मैं आपको फिर से बता देता हूं, मुंबई का डायमंड, हैदराबाद का स्टार और कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। अब आपको जो सिक्का ढूंढना है वो ढूंढना है नोएडा मिंट का। नोएडा मिंट के सिक्के की पहचान कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 1 रुपए के सिक्के की 4000 तक वैल्यू मिलना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए सिक्का रेयर भी है और सिक्का खास भी है, तो इस सिक्के पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस सिक्के की फोटो सेंड की है और मैं वही आपको अभी दिखाने वाला हूं। ये सिक्का एक बार जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा इसका जूम और बढ़ा देता हूं मैं तो आपको पता चलेगा। अभी तक मैं इसमें कोई आई ग्लास वगैरह नहीं लगा रहा हूं, आपको मोबाइल से दिखा रहा हूं, मोबाइल से आप जूम करके इसको चेक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे अपने मोबाइल के कैमरे में, इस तरह से जूम करके देखेंगे तो आपको यहां पे क्लियर डायमंड नजर आ रहा होगा। 1989 के नीचे यहां पे डायमंड बना हुआ है। ये आप इस तरह से अपने सिक्के को पहचान कर सकते हैं, मुंबई मिंट का सिक्का है तो ऐसा होगा, और अगर वो नोएडा मिंट का सिक्का है तो उसके अंदर आपको एक राउंड डॉट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका सिक्का नोएडा मिंट का है और उसको कंफर्म करना है तो इसके लिए एक चीज और भी बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ में अपने सिक्के को वेरीफाई कर सकेंगे, उसकी पहचान आपको मतलब आसानी से हो जाएगी। ऐसे आप चेक करते हैं तो जूम करना पड़ता है और उसके बाद में शायद कभी कभी डायमंड का मिंट मार्क है वो भी डॉट के जैसा नजर आता है। तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करने गया है, मैं आपको नोएडा मिंट का एक सिक्का लेके दिखाता हूं। नोएडा मिंट के सिक्के में आपको क्या चीज खास देखने को मिलेगी। एक्चुअली में जो लोग इन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं उन लोगों को ये चीज पहले से पता होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इस सिक्के को देख के एक बार अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इसके अंदर क्या अलग नजर आ रहा है। तो जो पहले वाला सिक्का था उसमें आप सेंटेनरी के नीचे देखेंगे तो यहां पे आपको एक राउंड सर्कल नहीं नजर आ रहा था, जबकि नोएडा मिंट के सिक्के में आपको यहाँ पे क्लियर राउंड नजर आ रहा है। सेंटेनरी के नीचे एक सर्कल बना हुआ है जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ भी नजर आता है, और जो इसका ये जो दांती बनी हुई है इसके और इसके बीच में एक बारीक खड्डा नजर आता है। तो इस तरह से आप इस सिक्के की पहचान कर सकते हैं। नोएडा मिंट के सिक्के में ही आपको ये वाला सर्कल बना हुआ नजर आएगा, उभरा हुआ सर्कल। बाकी मुंबई मिंट का होगा या फिर कोलकाता मिंट का होगा या फिर हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा तो सभी सिक्के प्लेन ही होते हैं, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है 1989 के और सेंटेनरी के नीचे से जो एक सर्कल नजर आ रहा है ये ओनली नोएडा मिंट की पहचान है। तो आप इस तरह से, दो तरीके हैं इन सिक्कों को वेरीफाई करने का, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों चीज मैच हो जाती है तब आप मेरे को फोटो सेंड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नेहरू जी का कौन सा 1 रुपए का सिक्का रेयर है और कौन सा सिक्का कॉमन होता है। कॉमन सिक्कों के आप लोग फोटो सेंड करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होता है और ना ही वो सिक्के सेल होते हैं, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। नोएडा मिंट का सिक्का है तो उसकी ही वैल्यू है। आपको तीनों मिंटों के सिक्के कलेक्शन नहीं करना है, नोएडा मिंट का करना है, चाहे वो फाइन कंडीशन में हो, वेरी फाइन में हो, एक्स्ट्रा फाइन में हो या फिर यूएनसीयू,
सभी कंडीशन में इस सिक्के की एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।